नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा मामला जो गंभीर है, राजनीतिक क्षेत्र में तमाम लोग अपने प्रचार प्रसार और राजनीतिक अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, ये करना ठीक है, लेकिन क्या वो ठीक है जो असंवैधानिक हो? एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सरिता प्रमोद दुबे इससे पहले नगर सेविका रह चुकी हैं, सभापति रह चुकी हैं, इस क्षेत्र में उन्होंने जीत हासिल जनता के मत से की, तो लाजमी ही होंगे जनता के काम तो करने ही पड़ेंगे। इस बीच में चूंकि अब महानगर पालिका में प्रशासन बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि अभी चुनाव नहीं हुआ है और कोई नया उम्मीदवार नया चुनाव ना होने की वजह से अभी कोई नगर सेवक यानी जनप्रतिनिधि ठीक से नहीं बैठा ही नहीं है। जो माजी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें करना भी चाहिए, कई सारी जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर थी, जनता की सुननी भी चाहिए, उसका जवाब भी देना चाहिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरिता प्रमोद दुबे ने कल भी ये काम किया था, लेकिन इनका कहना है कि उन पर हमले के दृष्टिकोण से, हमले के इरादे से कुछ लोग वहाँ पहुँचे। आइए जानते हैं बहुजन विकास अघाड़ी की कार्यकर्त्री सरिता प्रमोद दुबे पर आखिर कल की घटना पर क्या सत्यता है, किस प्रकार से क्या हुआ, कौन थे वो लोग जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। आइए जानते हैं सरिता प्रमोद दुबे से इसकी हकीकत। सरिता जी, सबसे पहले नमस्कार। क्या हुआ था कल घटना जिसके जो बहुत चर्चा का विषय बना है कि आप पर हमले के दृष्टिकोण से या हमले के इरादे से कुछ लोग आए थे, क्या घटना थी? कल मैं अपने वार्ड में गई थी, जैसे कि हमेशा समस्या सुनने के लिए जाती हूँ, वैसे वहाँ के लोगों की कुछ छोटी मोटी समस्या थी तो मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ पर गई, मैं बैठी, उन लोग की समस्या मैं सुन ही रही थी और ये लोग अचानक ये लोग झगड़े के मूड पर एकदम आक्रोश थे, ये लोग चालू हो गए। कौन लोग थे और किस दल के थे? शक्ति जनहित मंच के संस्था के तरफ से महिला और पुरुष दोनों जन आए थे। मैं तो चार ही जन से मैं गई थी, मैं थी और तीन जन मेरे साथ में थे। मैं जैसे हमेशा जाती हूँ वैसे ही मैं गई थी जनता के बीच में। उनकी समस्या थी जैसे कि अभी रोड बना है इधर, उस साइड में रोड बना है, वो लोग उसी खुशी में मेरा सम्मान भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बोली कि नहीं आज संडे। काफ़ी दिन से खराब थी, इसको बनाने? नहीं, सड़क तो बनी ही नहीं थी, खराब नहीं थी, सड़क नया बना, RCC सड़क बना है। तो वहाँ पे वो लोगों के अंदर कहीं लोगों ने बुलाया आपका सम्मान करने के लिए सड़क बना के दिया है। अच्छा, हाँ, छोटी मोटी समस्या थी वो भी मैं उनका सुन ही रही थी और ये लोग बीच बीच में मेरे बात में अड़चन डाल रहे थे, अड़चन ये लोग बीच बीच में डाल रहे थे कि हाँ ऐसे वैसे। आप जनता की समस्या सुन रहे थे, उस दौरान अड़चन वो कैसे डाल सकते? क्या लगातार सवाल कर रहे थे पीछे से या क्रॉस कर रहे थे, किस तरह? नहीं, क्रॉस कर रहे थे, कह रहे ये क्या है, अब ये क्या रह गई है, ये तो कुछ नहीं है, ये भी आम जनता हो गई है, ये क्यों अब जैसे कि उनका कहना है। सकती हैं आप तो पुरानी माजी नगर सेविका है तो जाहिर सी बात है आपको सवाल और जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो वही मैं उनको बोली, मैं ऐसे बैठ के पहले तो मैं समझी नहीं कि ये लोग आए, इनका मकसद क्या है। उनका मकसद तो कुछ दूसरा ही था, जिस मकसद से आए थे वो वही जाने, मैं तो जिस मकसद से गई थी लोगों के जैसे जन समस्या सुनते आ रही थी वही पूरा करने के लिए मैं गई थी। क्या आपको लगता है हालात किस तरह पैदा हो गए थे वहाँ, कुछ वीडियो शूट भी किया गया और उस तरह से? देखो, मेरे तरफ से तो कोई हम लोग इस मूड में तो थे नहीं, हम लोग तो गए थे वही समस्या सुनने के लिए, लेकिन ये लोग पूरी तैयारी से आए थे, हाथापाई के मूड में ही थे, लेकिन मैं फिर भी मेरा हाथ पैर कांप रहा था, मैं खड़ी थी और ये लोग एकदम अटैक के मूड में थे, तो गली वाले लोग उनको ही उल्टा, गली वाले वहाँ के रहवासी उनको बोल रहे थे कि मैंने मैडम को बुलाया है अपना समस्या बताने के लिए, आप क्यों इनके बीच में, आप लोग क्यों आए, आप लोग तो वैसे ही घूमते रहते हो दिन भर, मैडम आ जाइए, मैडम को करने दो, हमारी समस्या सुनने दो। लेकिन ये लोग इतने झगड़े के मूड में थे ना कि वो अभी भी, मैं सोच रही थी, मुझे घबराहट हो रही है कि ये लोग अभी जब चुनाव से निकली जैसे निकली तो फिर क्या निकली मैं, तो पीछे पीछे वो लोग। हाँ, मैं दूसरे पीछे की गली से निकली, मैं पीछे से गली से निकली कि मुझे झगड़ा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है जो मैं 5 साल से करते आ रही हूँ, 5.5 साल से मैं बस वही काम करूँगी, विकास का काम, मुझे झगड़ा झंझट इसमें मुझे कुछ हासिल नहीं होगा ना मैं करूँगी कभी। उन लोगों ने आपके गाड़ी पर भी ये सुनने में आया है कि वो हमला करने के आगे से बढ़े थे, कि ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, मैं इस गली से निकली, मैं सोची कि जाके अपने गाड़ी में बैठ जाऊँ, निकल जाऊँ, मैं जाके देख रही हूँ तो वो लोग मेरे से पहले मेरे गाड़ी के पास आके मेरा कांच ठोक रहे हैं, मुझे इतना गंदी अब शब्द भाषा में लोग गंदी गाली दे रहे, बोल रहे उल्टा सीधा कि पूछिए मत, पूरा कांच पीट रहे कि
जैसे कि अगर कांच खुलता तो वो लोग मेरे ऊपर हाथ भी मार देते थे। आपको लगता है राजनीतिक षड्यंत्र है इसे? हाँ, ये राजनीतिक षड्यंत्र है भाई। आज 1.5-2 साल से एक महिला के पीछे ये पड़े हैं, तो इनका कुछ षड्यंत्र है तभी ना। इससे पहले भी ये ऐसे कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं। ये लोग मेरे ऊपर चोरी लगाए, क्या क्या नहीं किए। अभी एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, अभी एक महीना पहले की बात बता रही हूँ। 2 साल का एक सोसाइटी वाले ने 2 साल का पानी का बिल नहीं भरा था, तो वो बिल काटने के लिए वहाँ से नगर पालिका से कर्मचारी आए काटने के लिए, जैसे नल कनेक्शन काटने के लिए आए। तो वहाँ के रहवासियों का फ़ोन आया, मैडम देखो मेरा जनरल कनेक्शन काटने आए हैं, और मुझे सुनने में आया है कि अगर नल कनेक्शन काटेंगे तो जोड़ने का भी 8,000 रुपया उनको दोबारा देना पड़ेगा। तो मेरा एरिया जो है पूरा प्रभाग है वो स्लम एरिया है, गरीब एरिया है। तो इस हिसाब से जब वो लोग अभी पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो ये लोग कनेक्शन का कहाँ से जोड़ने का पैसा देंगे। तो वही सोच के मैंने ठाकरे को फ़ोन किया, जो ठाकरे हैं नगर पालिका में इंजीनियर हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि मैडम ये लोग 2 साल का नहीं भरे हैं तो इसके लिए। तो फिर मैंने आमदार साहब को, अपने राजेश पाटिल साहब को फ़ोन किया। राजेश पाटिल साहब से फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस में लेके ठाकरे साहब से बात करवाया। साहब, हमारे आमदार साहब बोले कि उनको 1 हफ्ते का टाइमिंग दो, वो लोग भरेंगे। अच्छा, ये सब बात हुआ, वहाँ से नगर पालिका निकल गई। तो ये शक्ति जनहित मंच के जो अध्यक्ष हैं और उनके कहने पर उनके सचिव, मैं उन लोग का नाम अपने गंदा नाम अपने जबान से मैं निकालूंगी नहीं, वो लोग आए मीडिया वाले को लेके आए और उनसे ये वीडियो बनाए कि सरिता दुबे पैसा वसूली करने के लिए यहाँ का कनेक्शन कटवाने के लिए भेजी थी। अब ये सोचो कि जिस जनता को मैं दिन रात एक करके मेहनत करके, मैं और मेरे पक्ष, मेरे बहुजन विकास अघाड़ी के मेरे लोक नेता अप्पा साहब कहाँ से पानी की समस्या थी, पानी पिला रहे, पानी लेके आए, और वही कनेक्शन कटवाने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए मैं वहाँ पे कनेक्शन कटवाऊंगी। ये लोग इतना घिनौना आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। यानी इस तरह से राजनीति करके वो कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने का प्रयास। हाँ, उनका पूरा हाथापाई, और लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करूँ मैं सरिता दुबे को इतना बदनाम कर दूँ, इतना टॉर्चर कर दूँ कि ये डर से और ये बदनामी से बाहर ना निकले। धन्यवाद। ये चीज सरिता दुबे ने जिस तरह से बातें कही वो बड़ा गंभीर है। सवाल ये है कि जिस तरीके से सरिता दुबे एक महिला राजनीतिक क्षेत्र में उतरती है, घर संभालने के साथ साथ एक राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें। देखिए, राजनीति में प्रचार प्रसार, मुद्दे उठाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, यह एक विषय है, उसको उठाना भी चाहिए, ये संवैधानिक हक है। लेकिन क्या उसको इस कदर हथियार बनाना, किसी पर आरोप लगाना, अपशब्द का प्रयोग करना, हमले की साजिश करना, क्या कितना चार्ज? अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक रूप और क्या बनता है इस, खासकर इस वार्ड में। और जिस प्रकार से शक्ति जनहित मंच पर आरोप लगा है, गंगेश्वर श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं, वो इसका क्या जवाब देते हैं। आज के लिए धन्यवाद।